इसके नाम है सिम्बा। देखो मैं तेरे लिए क्या लाई, छोटी मछली खाएगा। ये देखो ये देसी झींगा है, छोटा सा है पर झींगा है, ये टूट गया। इसके नाम है खिसरा, खिसरा। ये है चिल्हवा। आज तो सिम्बा की लॉटरी है, लॉटरी। ठंडी के दिन है, छोटी मछली बहुत अच्छा बनता है। सिम्बा तो डॉगी होके मछली खाता है। सिम्बा जो खाते हम लोग सब खाता है। सिम्बा सिम्बा के कोई नखरा नहीं है कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। देखो इसको बढ़िया से साफ करना है, फिर सिम्बा रोटी से खाएगा, बहुत टेस्टी बनती है। सिम्बा सिम्बा कहाँ तू बैठा हुआ है, देखना तेरे लिए क्या बन रहा है, खाएगा ना तू। अब वो बैठा हुआ है कि कब बने, मैं खाओ, अभी कुछ बोल नहीं रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि बनेगा तो हम खाएंगे। इधर उधर क्या सूंघ रहा है, जल्दी आ देख तो क्या बन रहा है। इधर आइयो, देखो देखो क्या बन रहा है। सिम्बा तो खाएगा आज, खूब खाएगा। इतने घास इसमें साफ करना है, जंगल में से छाना होगा, जंगल में रहता ही है। तो वाया उठ के और देख रहा है क्या बन रहा है, खाएगा नहीं ये, ये खाएगा, सुन रहा है। अरे सिम्बा मछली बिल्ली लोग खाती है, तू बिल्ली है, इसके लिए चिकन भी आया है। लॉटरी, इसके लिए चिकन भी आया है, ये नहीं कहेगा कि हमारे लिए नहीं लाया है, इसके लिए चिकन आया है। चिकन देख लो वो बोल रहा है, चिकन सिम्बा का चिकन दिखाओ। हमारे खाने पे भी जरूर, ये अपना खाना भी खाता है, हम लोगों को भी खाता है। सिम्बा कह रहा है सिम्बा मजा आ रहा है, सिम्बा सिम्बा सुन ना, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, खुश। सिम्बा तो यहाँ से उठेगा ही नहीं है। देखो ये झींगा है, देखो छोटे छोटे है, देसी झींगा है, बहुत टेस्टी होता है, इसमें तड़का बड़ा भी होता है, और अभी ये मिल जाए तो बाप बहुत टेस्टी बनती है। अरे जल्दी मिलता नहीं है, गांव में मिलता है सावन के महीने में ज्यादा करके। उठली आया है छोटी वाली, सिम्बा के लिए चिकन आया है, खाएगा सिम्बा, खाएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। इसको देख के हंसी आता है, सुदर्शन के बजे सुदर्शन के। अरे नहीं मैं सिम्बा तू भी खाएगा, मछली खाएगा कि चिकन खाएगा, जल्दी बता। सिम्बा कहेगा मैं चिकन खाऊंगा, सिम्बा के लिए चिकन आया है। सिम्बा चिकन दिखा दो, बन रहा है सिम्बा के लिए, बन रहा है। कितना बोलता है तू, बाप रे। नकलची बंदर तू है ना, तू है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा सिम्बा बच्चा, सिम्बा मेरा बच्चा है। आदर्श भी, आदर्श, आदर्श मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। तू नकलची बंदर है, तू है ना, तू है ना, तू है ना, तू है। झगड़ा करेगा, तू झगड़ा करता है, नहीं तू करता है, अरे तू करता है, चुप हो जाना, तू हो जा। देख सिम्बा झगड़ा कर रहा है, ये देखो ये गुस्से में आज से खोद के गाड़ी देगा, किसके लिए गड्ढा खोद रहा है सिम्बू। अरे सिम्बू हो गया साफ, नहीं अभी धोऊंगे, चल कॉपी कैट इसकी तो
इसकी तो ऐसी की तैसी। हप हप चुप ना, वो का ये गीले पेस्ट है जो है ना, लहसुन है। मछली का साफ करने के बाद ना, साफ करने के बाद लहसुन के पेस्ट, थोड़ी सी मिर्ची और हल्दी मिला करके अभी मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। मछली साफ करने के बाद ये लहसुन का पेस्ट है, इसमें हल्दी थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, इसको मिक्स कर दिया नमक के साथ। नमक नहीं डालेंगे तो चलेगा, पर नमक डाले हैं थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, इसको मिला रहा हूँ अच्छे से, मतलब स्वाद अच्छा बनेगा। मिल गया, अभी तुरंत पक गया है इसमें तेल में, फ्राई में। अब इसको रखते हैं, लारना नहीं है, इस तरह से करना है, लारेंगे तो छूट जाएगा, इसको इस तरह से करना है। ऊपर फिर थोड़ा सा जमा लेंगे इसको, जो जो फ्राई होगा तो अच्छा दिखेगा। फिर इसको इस तरह से मिक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कैसे फैला दो अच्छे से, ये थोड़ा सा जलेगा ना, सुनगर सुनगर अच्छा लगेगा। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सीधे। खूब पक जाएगा, इसमें ये मसाला है, ज्यादा मसाला भी है। ये सरसों लहसुन का पेस्ट, सरसों लहसुन का पेस्ट, यही है। नमक, हल्दी, इमेज मसाला, मिर्ची पाउडर, इसको हम घोल लेते हैं। थोड़ा सा पानी अभी टैग लगेगा उसको पकने में, फिर इसको डालेंगे। जलाना है 10-15 मिनट पानी सूखने का, फिर हिलाना भी है बीच में। नहीं नहीं, इसको हिलाना नहीं, हिलाएंगे तो टूट जाएगा सारा, ऐसे ही छोड़ देना है। पूरा पानी सुखाना है, हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं हिलाना डुलाना टूट जाएगा, पटपट के आ जाएगी, सुंदर सुंदर सी आएगी। देखो ऊपर से बच रहा है ना सारा, ऊपर वालों का भी मजा आ रहा है, ऊपर खूब जा रहा होगा। बिल्कुल फ्रेश था मछली, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश था। एक देखो झींगा है, ये देखो कैसे पीले पीले हो गए, झींगा के अलग ही कलर होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पता नहीं हाथ मिल रहा है, सिम्बा खुशबू पसंद आ रही है, सिम्बा सूंघियो। सिम्बा की लॉटरी, सिम्बा का चिकन, अभी चिकन बाद में मछली। साइड हो जा, साइड हो, सीट हो जा, बैठ के खा देना खाना, गुड बॉय, खा लो। अभी
कलर भी मस्त हो गया। चाहो तो इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, इसको थोड़ा सा जोड़ भी बना सकते हैं, इसको ग्रेवी। अब ये देखो, अब ये मसाले डाल दिए हमने, ज़्यादा लग रहा तो जाएगा, इसको रख भी नहीं सकते। अब इसमें तली रखनी है, ऐसे रखनी है थोड़ी सी, इसको उबल जाएगी ना तो निकालो, नहीं तो इसको सूखी बिल्कुल खाना है तो इसको भी सूखा दो अच्छे से। ये देखो, एक भी नहीं टूटेगी, अच्छा बनेगा। खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्टी है।